फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज हम देखने वाले हैं बॉम्बे का ओल्डेस्ट म्यूजियम। कम फॉलो मी। ये जो म्यूजियम है, इट इज़ लाइक द जेम ऑफ मुंबई। दिस म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1875 एंड इन द ईयर 2003 इसका रेनोवेशन किया गया BMC के द्वारा। दिस म्यूजियम वॉज ऑल्सो नोन एज द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम बिफोर इंडिपेंडेंस, और इसका साझेदारी था द ब्रिटिश म्यूजियम जो कि अभी UK में बेस्ड है। आपको दिखाते हैं इस म्यूजियम की असली झलक। एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम। Thank you.
Yeah, so we're standing once again in front of this statue. और ये statue resemble करता है एक elephant को. This statue, जो ये statue है वो बॉम्बे से थोड़ा सा दूर, like 20 kilometers दूर एक island है जिसका नाम है Elephant Island. और इसे locals कहते थे the Canary Caves. तो वहाँ पे elephants के काफ़ी सारे झलक और काफ़ी सारे statues पाए जाते थे. इस statue यहाँ पे रखने की जो story है, actually क्या हुआ था, the Britishers were quite greedy and they wanted to take this with them, and when they tried to lift it with the crane, उन्होंने crane से जब इस statue को lift करना चाहा, तो ये statue इतना वजन था कि crane की पट्टी break हो गई, and then the statue collapsed and it got broken into many pieces. इसे फिर यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर install किया गया. It was restructured. As you can see, अगर यहाँ पर if you come here, तो यहाँ पर इसके head पर एंड इवन इन द मिडल सेक्शन जो कि वहाँ से देखा जा सकता है, एंड इवन नीचे इसके एक सपोर्ट दिया गया है टू कीप इट स्टेबल, तो ये काफ़ी टूट गया था. एंड इवन जो इसका पेरेंट आइलैंड है विच इज़ द एलिफेंट आइलैंड्स, अब वहाँ पर भी जाके इसे देख सकते हैं. तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से म्यूज़ियम ये कितना खूबसूरत है, लेकिन डोंट गो विदाउट वॉचिंग दिस म्यूज़ियम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं. As you can see, there are potteries done. There are also stone carvings and heritage, sites over here. We'll come here, and here we have an array of historical statues. उस तरफ दिखाइए जरा. And all these statues have a very interesting story to them. And you might be wondering कि ये statues यहाँ पे क्यों रखे हैं. And why aren't they mounted on famous roads जो कि बॉम्बे में है, MG Road हो गया, फिर Fort Area हो गया, कुलाबा Causeway हो गया, या फिर मजगांव हो गया, बाइकिला हो गया. Actually इन statues की बहुत ही एक hurtful और बहुत ही दर्दनाक story है. And these statues were vandalized and some of them were going to be vandalized, और उनके protection के लिए उन्हें यहाँ पर रखा गया है. So first of all we'll come to this statue. ये statue है Lord Harding का. And it was originally mounted at Apollo Bandar, जो कि Fort Area में आता है. And to protect this statue from vandalism, तो actually क्या हुआ था, 1965 के दौरान there was this agitation of perverted patriotism. तो उसमें काफ़ी सारे जो patriots थे इस देश के, they were very disgusted with the historical past and with the British past. तो वो क्या करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स की जो स्टैचूज थी वो उन्हें डिस्ट्रॉय करते थे. हम आगे आपको बताते हैं
कि आगे वैंडलाइज स्टैचूज़ भी है, काफ़ी बहुत ही फेमस लोगों की वैंडलाइज स्टैचूज़ हैं, और ये नाम आप लोग ने पूरे बॉम्बे में ज़रूर सुना होगा। नेक्स्ट वी कम हियर टू एडविन मॉन्टेग्यू स्टैचू ओवर हियर, जो कि ओरिजिनली माउंट किया गया था मरीन लाइंस पे। तो इनकी भी सेम कहानी है, ये स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें यहाँ पे लाके माउंट किया गया था। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी बिग स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू ये जो थी उसका लोकेशन फोर्ट बताया जाता है, एंड द वैंडल्स दे वर वेरी मच क्वाइट सक्सेसफुल टू वैंडलाइज इट। इनकी नाक तोड़ी गई थी और इनके सर पे एक ताज भी था काफ़ी बड़ा, उसे भी ब्रेक कर दिया गया था। यू कैन सी दैट हर राइट हैंड हैव बीन ब्रोकन एज वेल, एंड इवन अ हेड फ्रॉम द नेक उसे भी डैमेज किया गया था। व्हेनेवर यू कम टू दिस म्यूजियम, आप इस सेक्शन को भी ज़रूर देखें, मैं आपको रेकमेंड करूँगा। एंड ऑन दैट साइड ऑल्सो आपने देखा होगा पहले का फुटेज, तो वो तरफ भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी सारे ऐसी आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि इन्होंने बाहर डिस्प्ले किए गए क्योंकि अंदर इनके पास जगह नहीं थी गाड़ी। एंड हियर वी हैव द स्टैचू ऑफ डॉक्टर थॉमस बेंडी, इनकी भी सेम कहानी है, इन्हें भी माउंट किया गया था फोर्ट पे, लेकिन द प्रोटेक्शन स्टैचू एंड दिस स्टैचू हैज़ बीन इंटैक्ट। देखिए इसे कुछ डैमेज नहीं किया गया है, सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पर कहते हैं इनका शूज़ जो है वो ब्रेक हो गया था बाय ट्रैवलिंग, क्योंकि द BMC ऑफिशियल्स दोज वर देयर एट दैट टाइम एंड द लोकल ऑफिशियल्स, वो जल्दी हाई फाई में दे ब्रॉट दीज ऑल स्टैचूज टू रानीबाग या फिर विक्टोरिया गार्डन जिसे हम कहते हैं। हियर वी हैव द स्टैचू ऑफ सर रिचर्ड, एंड इवन ही हैड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और इनका जो एस्प्लेनेड है जो कि अभी काला घोड़ा कहलाता है, तभी इनका स्टैचू वहाँ पर रखा गया था। यहाँ वी कम टू अ वेरी फेमस स्टैचूज ऑफ लॉर्ड वेसली, एंड देयर वी हैव अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फिर BMC ऑफिशियल्स काफ़ी डर गए थे, ये स्टैचूज थे हॉनीमैन सर्कल पे, और जब एक BMC कर्मचारी जब सुबह में आया और उसने हॉनीमैन सर्कल के जो गार्डन थे उसका डोर ओपन किया, एंड ही वॉज क्वाइट बैफल्ड टू सी कि इनके हाथ कटे थे दोनों के और दोनों के सर भी कटे हुए थे। एंड फिर तभी जो है वो गवर्नमेंट जागरूक थी, एंड देश है कि दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें हो रहे थे एंड इवन इन कलकत्ता, लेकिन साउथ में ज़्यादा नहीं हो रहे थे, पूरे दिल्ली में, पूरे नॉर्थ में एंड इवन इन बॉम्बे कई सारी चीज़ें डैमेज के साथ और स्टैचूज के साथ हो रही थी। दिस स्टैचू वॉज डैमेज बाई द लॉट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हाथ एंड इवन द हेड हैज बीन डैमेज। हियर वी हैव अ वेरी ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड सैंडर्स, जो कि सैंडर्स रोड जो है वो इनके नाम पर ही बेस्ड है, सैंडर्स रोड स्टेशन। इनकी भी नाक डैमेज की गई है एज यू कैन सी ऑन द टॉप, एंड हिज मुस्ताच हैज़ ऑल्सो बीन डैमेज। चलिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी नई नई जगह है जो देखनी है, जो कि एक्सप्लोर करनी है पैंडेमिक के टाइम पे। टिल देन स्टे सेफ।